लखनऊ में विधानसभा सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर खर्च किए गए हैं और ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। टेंट सिटी बनाई गई लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, करोड़ रुपए को बहाया गया। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार को स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए। लखनऊ से खबर, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने सरकार को घेरा, सरकार पर जमकर आरोप लगाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश हमलावर हुए। सरकार पर करोड़ों रुपए जीआईएस पर यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खर्च किए गए, ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। अखिलेश यादव का यह कहना है, टेंट सिटी से कोई फायदा नहीं होगा, सरकार का बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है, ये बड़ा आरोप योगी सरकार पर लगा है। सड़क की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? चलो तो ये डीजल पेट्रोल का सवाल है, ये हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप सपना दिखा रहे हैं कि 40 लाख करोड़ हम जमीन पर उतारेंगे पैसा, जिस सरकार ने बुलडोजर चला दिया हो गरीबों पर, ये तस्वीरें दुनिया में जाएंगी। और अगर बीबीसी जैसी संस्था पर कल छापा मारेंगे आप, डराएंगे चैनल्स को, क्या उम्मीद करते हो दूसरे लोग आपके इन्वेस्ट करने आएंगे? वो आए थे, घूम गए, टेंट दूसरे दिन खाली थे। सरकार ये नहीं बताएगी कि टेंट में रुकने वाले लोग नहीं थे? जो हजारों करोड़ के टेंट बने थे, टेंट सिटी बना था। मैं बनारस के टेंट सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक यहाँ भी सरकार में जो चाहेंगे वो बनाएंगे। सवाल ये है कि जनता को क्या मिलना है? आज चिंता व्यक्त की, एक विधायक की मृत्यु हो गई, नया विधायक था, कम उम्र का था, हो सकता है उसके जीवन में अगर रहता तो न जाने कहाँ पहुँचता, उसी विधायक सांसद समाजवादी पार्टी से रहे और दलों से भी रहे, वो किसकी वजह से उसकी जान चली गई? कैंसर की वजह से। आज कैंसर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है? आप कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे, आप अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप सरकार के लोग हैं, खुद अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। कल बजट पेश होगा अखिलेश जी, क्या लगता है क्या होगा? छह बजट आ चुके हैं उस्मान भाई, क्या मिला? वॉइस बना रहा हूं, कैमरा नहीं बना रहा हूं। जब छह बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा, खाने पीने का सामान महंगा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बर्बाद हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, काम रुक जाएगा, सड़क महंगी बनेगी, अस्पताल महंगी बनेगी, आपके और शिक्षा के संस्थान महंगे बनेंगे। डीजल पेट्रोल का मतलब केवल गाड़ी से भराने तक नहीं है, उसका असर हर मकान, अस्पताल और तमाम चीजों पे भी पड़ता है। अगर सरकार क्या करेगी? इसीलिए सरकार खर्च नहीं कर पाई, मान लीजिए सड़क पे पैसा खर्च होना था, इस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे जो